नमस्कार साथियों साथियों आज हम बात करने वाले हैं ग्रोइन पेन के बारे में, जो जांघ के अंदर की तरफ जो दर्द होता है, जो हमें अंदर की तरफ एक साइड या दोनों साइड हो सकता है, उसे कैसे ठीक किया जाए। साथियों ग्रोइन पेन होने की काफ़ी सारी वजह होती है, लेकिन ज़्यादातर जो वजह होती है उसमें होता है किसी स्पोर्ट्स इंजरी के बाद, लॉन्ग सिटिंग, जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर रहता है उसमें, या किसी हिप के किसी पुराने फ्रैक्चर या उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो साथियों आज हम आपको बताएंगे वो 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिसे कर आप ग्रोइन पेन से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको इस तरह से लेट जाना है, दोनों पैरों को आपको मोड़ के रखना है। इसमें आप क्या करेंगे, एक घुटने को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, इसको पूरा गिराना है। जैसे आप इसको नीचे लेके जाओगे, आपको लेफ्ट साइड का लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड में पूरा स्ट्रेच आएगा। इस स्ट्रेच को आपको 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेच करने के बाद ध्यान रखें इसे आप दूसरे हाथ से लेकर आएंगे। कभी कभी क्या करते हैं इस एक्सरसाइज में, पेशेंट पैर को ले जाता है और खुद ही लेके आता है, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेन हो रहा है, आप खुद लेके आएंगे तो उसमें पेन बढ़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ले जाते वक्त इसको जाने दीजिए और पूरा स्ट्रेच जब आपको अच्छा खासा मेंटेन हो जाए उसके बाद में अपने उसी साइड के हाथ से इसको वापस लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को आपको 5 बार लेफ्ट साइड से करना है और 5 बार राइट से करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने एक एक पैर से किया था, अब आपको दोनों पैर को लेके जाना है। दोनों पैरों को अपन अपोजिट साइड ले जाएंगे। अब आपको जैसे ही बाहर लेके जाओगे तो आपको ग्रोइन के अंदर एक काफ़ी ऐसा स्ट्रेच फील होगा, इसे भी आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से अपने दोनों हाथों से पैरों को बीच में लेके आएंगे। ध्यान रखें खुद लेके ना आए पैर, क्योंकि जैसे ही इसमें मूवमेंट करोगे आप उस मसल्स को और टाइट कर लोगे जो पहले ही टाइट पड़ी हुई है। तो इसके लिए आपको अपने हाथ से लेके आना है, यहाँ पे आपको 2 से 3 सेकंड रोकना है और फिर से इसे जाने देंगे, रिलैक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो सपोर्ट के साथ भी किसी गिरा सकते हैं, लेकिन जब भी पैर नीचे आ जाता है तो आपको यहाँ एक स्ट्रेच फील होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से इसे वापस बीच में लेके आएंगे। थर्ड एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में एक तकिया लगाएंगे इस तरह से और दोनों घुटनों से इस तकिए को दबाएंगे। साथियों इस एक्सरसाइज को बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो ग्रोइन की मसल्स है उनमें एक कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी। इसे 5 सेकंड रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन हल्का सा ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 बार रिपीट करना है। फोर्थ एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरह से इरेक्ट पोस्चर में आना है, दोनों पैरों को, दोनों एड़ियों को आपस में मिला लेना है, पंजों को, रेडियो को, और इस पोजीशन में आने के बाद आपको दोनों तरफ से थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे अगेन आपको ग्रोइन वाले एरिया में स्ट्रेच फील होगा। इसे भी आप 5 to 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। साथ ही जो मैं स्ट्रेचिंग आपको बता रहा हूँ 5 सेकंड, इसे आप धीरे धीरे बढ़ा के आगे 10 सेकंड तक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत 5 से ही करें। 5th एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरह से किसी सपोर्ट के साथ खड़ा होना है, अपना एक हाथ किसी सपोर्ट पे ले सकते हैं और एक पैर को सीधा रखेंगे और इसका घुटना बेंड करेंगे। आप देख सकते हैं सर की पोजीशन, एक पैर पूरा बाहर है और ये उस वाले घुटने को बेंड कर रहे हैं। जैसे बेंड कर रहे हैं यहाँ इनको पूरा जांघ से लेके और उनका ग्रोइन तक स्ट्रेच फील हो रहा है, स्ट्रेच आ रहा है सर। इसमें ध्यान रखें कमर का पोस्चर का ध्यान रखें, कमर बहुत ज़्यादा नहीं झुकानी आपको। इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन बैक। फिर से रिपीट करिए, बेंड करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। इस तरह से इस एक्सरसाइज को एक बार आपकी राइट साइड की स्ट्रेचिंग करेंगे और एक बार लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग, जैसे लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड करेंगे अपन। इसके लिए क्या करना है, अब आपको इस तरफ आ जाना है, इस वाले पैर वजन डाला आपने, घुटने को बैंड करना है, अब आपको दूसरे वाले पैर में स्ट्रेच आ रहा है। तो साथियों इस तरह से इन 5 एक्सरसाइज करके आप ग्रोइन पेन से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।